हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मिसल पाव। तो हम अपना मिसल तैयार करने के लिए हमने अपने मोठ रात को पहले से भिगो के रखे थे और दिन में उनको अंकुरित होने के लिए छोड़ रखा है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं मिसल बनाने के लिए और सूखे मसालों को हम रोस्ट करेंगे। तो एक पैन में हमने सूखे धनिए लिए हैं, अच्छे से उसे रोस्ट करेंगे जब तक कि उसका कलर ब्राउन टाइप ना हो जाए। अब इसमें सूखी मिर्ची डाली है। आपको जितनी डालनी है उसके अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं। फिर उसे भी रोस्ट करेंगे धनिया के साथ। तो हमने पैन में थोड़ा ऑयल डाला है। इसके गर्म होने के बाद हम इसमें प्याज डालेंगे। जब तक कि ये ट्रांसल्यूसेंट ना हो जाए तब तक इसे पकाएंगे। अच्छे से पका लेंगे इसे। फिर इसमें टमाटर डालेंगे, उसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। तो जब टमाटर नरम हो जाएंगे तब हम इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। तो हमने जो मोठ रखे थे अंकुरित होने के लिए उसे थोड़ा पकाएंगे नरम होने के लिए। तो हमने एक तरफ मोठ उबालने के लिए रखे हैं और दूसरी तरफ नारियल पाउडर रोस्ट करेंगे। तो हम अपने सूखे मसालों को एक जार में लेके थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से पीस लेंगे, थिक पेस्ट बनाएंगे। कुछ इस तरह दिखेगा। और टमाटर और प्याज को भी पीस लेंगे थोड़ा सा पानी डाल के, इसकी एक अच्छी सी प्यूरी बना लेंगे। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें थोड़ा तेल डालेंगे और राई और जीरा डालेंगे सबसे पहले। बाद में कड़ी पत्ते और जो प्यूरी हमने बनाई थी सूखे मसालों वाली और जो टमाटर और प्याज वाली प्यूरी भी उसमें ऐड करेंगे। फिर इस मिक्सचर को अच्छे से हिलाएंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने यहाँ पे 1 किलो मोठ लिए थे तो उसके अकॉर्डिंग हमने सारे मसाले यूज़ किए हैं। आप भी अपनी सामग्री के अकॉर्डिंग, अपना जो भी बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप यूज़ करें मसाले। तो हमने ग्रेवी में स्पाइसेस मिक्स कर लिए हैं, हल्दी, मिर्ची और नमक। फिर इसे अच्छे से हिलाएंगे। अच्छे से मिक्स हो चुका है, इसमें अब पानी डालेंगे, फिर वापस हिलाएंगे इसे। अब हम इसे धीमी आंच पर 1 उबाल तक पकाएंगे।
इसका उबाल आ रहा है, ये उबल रहा है अच्छी तरीके से। अब इसमें मौठ ऐड करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें एक चम्मच गरम मसाला डालेंगे, फिर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो अब हम इस पे छौंक लगाएंगे। एक कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डालेंगे। उसमें गार्लिक और जिंजर ऐड करेंगे। फिर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, पकने देंगे थोड़ी देर। तो अब हम इसे अपने मिसल में डाल देंगे, फिर इसे हिलाएंगे, अच्छे से इसे मिक्स करेंगे इसमें। तो अब हमारा मिसल रेडी है। इसे हम तली हुई पाव के साथ खाएंगे। मिसल का टेस्ट बढ़ाने के लिए हम इसमें मिक्सर नमकीन भी ऊपर से ऐड करेंगे। इसमें प्याज भी डालेंगे, इसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गर्ल्स। इफ़ यू आर न्यू इन द चैनल देन सब्सक्राइब।